नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया नरही कांड, थाना अध्यक्ष पन्नेलाल के बाद पकड़ा गया हेड कांस्टेबल, फरार चौकी इंचार्ज, दो सिपाहियों की तलाश में पुलिस दे रही दबिश, फरार थाना अध्यक्ष का खुला कमरा, उड़े अधिकारियों के होश। खबर जनपद बलिया से। ट्रकों से अवैध वसूली के खेल का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। गिरफ्तार सिपाहियों ने पूछताछ में बताया है कि वसूली के 100 रुपए मिलते थे तो 60 थानाध्यक्ष पन्नेलाल रखता था, 40 सिपाहियों और दलालों पर खर्च करता था। बलिया में अब अजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहां पुलिस अब पुलिस को ही गिरफ्तार करने में लगी हुई है। जहां पुलिस की छापेमारी में थानाध्यक्ष के घर में सोने के सिक्के और कीमती घड़ियां मिली हैं। पुलिस बाकी पुलिस कर्मियों को भी पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा स्थित भरौली चेक पोस्ट पर ट्रकों से वसूली करने के मामले में निलंबित थानाध्यक्ष पन्नेलाल को सोमवार को वाराणसी स्थित कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। नरही थाने के एक अन्य कांस्टेबल विष्णु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीजी वाराणसी जोन, डीआईजी आजमगढ़ और एसपी विक्रांत वीर की उपस्थिति में निलंबित थाना अध्यक्ष के सामने आवास का ताला खोला गया। इसमें 10-10 ग्राम के 2 सोने के सिक्के, वसूली के 82,500 रुपए, 2 कीमती घड़ियां और 1 डायरी मिली है। विवेचक ने बरामद सामग्री को सील कर दिया है। इसके साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रकरण में अभी निलंबित कोरंटादी चौकी इंचार्ज राजेश कुमार प्रभाकर और 2 सिपाहियों के साथ कुछ दलालों की तलाश है। यूपी बिहार बॉर्डर पर बक्सर गंगा पुल से होकर बलिया में आने वाले ट्रकों से अवैध वसूली पर एडीजी और डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की थी। मौके से 2 पुलिस कर्मियों के साथ 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नरही थाना प्रभारी पन्नेलाल, चौकी प्रभारी कोरंटादी राकेश प्रभाकर समेत 7 पुलिस कर्मियों और 16 प्राइवेट लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि गिरफ्तार पुलिस कर्मियों को रिमांड के लिए न्यायालय वाराणसी भेजा गया है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर गोरखपुर से गिरफ्तार किए गए निलंबित एसओ पन्नेलाल को रविवार की रात में ही बलिया लाया गया। यहां डीआईजी और एसपी ने उनसे घंटों पूछताछ की। रात में ही पुलिस अधिकारी पन्नेलाल को लेकर नरही थाना पहुंचे। वहां उसकी मौजूदगी में उसके सील सरकारी आवास का ताला खोलकर उसमें रखे सामानों की जांच की गई। जरूरी सामानों को पुलिस अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। सोमवार की सुबह एडीजी जोन भी बलिया पहुंचे। उन्होंने गिरफ्तार एसओ से पूछताछ की, फिर वापस चले गए। पन्नेलाल की गिरफ्तारी और थाने के कमरे से सील मिली डायरी सबूत व पूछताछ के बाद किन किन लोगों के संलिप्तता सामने आती है। वैसे इन सबके बीच पन्नेलाल के लग्जरी लाइफ सामने आई है। पन्नेलाल को महंगी गाड़ियों का शौक था। वो फॉर्चुनर और क्रिस्टा गाड़ी से चलता था। बड़े नेताओं संग उठना बैठना था। ऐसे में सवाल यह भी है कि उसे किस सफेद पोश का संरक्षण प्राप्त है या नहीं। पुलिस किस स्तर तक मामले की तह में जाकर कर पाती है खुलासा। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।